तो आज हम देखेंगे कि यूपीएस का सेटअप कैसे करते हैं, वाईफाई राउटर और ऑप्टिकल फाइबर का जो बॉक्स होता है उसके साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है पावर फील्ड्स का यूपीएस। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। और साथ में आपको लगेगा इसमें स्प्लिटर वायर। तो ये स्प्लिटर वायर जो है इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग किया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से इसका भी देख सकते हो। और ये जो वायर है ये आपको यूपीएस के साथ ही मिलता है केबल। तो अभी जो एडाप्टर है, ये जो एडाप्टर है ये 9 वोल्ट का है, तो आपको ये लगाना है मेन बोर्ड में जहाँ से आपका सप्लाई है। और इसका जो पोर्ट है वो आप लगाएंगे यूपीएस के इन वाले ऑप्शन में। और उसके बाद आपको जो केबल मिला है यूपीएस के साथ आपको वो लगाना है आउट वाले ऑप्शन में। देख सकते हो ये आउट है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा। और उसके बाद जो है ये जो केबल है इसको मैं लगाऊंगा हमारे स्प्लिटर वायर के साथ। तो स्प्लिटर वायर को मैं इसे कनेक्ट करूंगा। तो अभी ये जो है स्प्लिट हुआ है 2 पार्ट्स में, आप देख सकते हो। तो एक मैं लगाऊंगा वाईफाई राउटर में। तो आपको वाईफाई राउटर के बैक साइड में दिखेगा, तो आप वहाँ पर ये पोर्ट लगा देना। और एक पोर्ट है वो मैं लगाऊंगा ऑप्टिकल फाइबर के बॉक्स में, तो एक मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और मैं अभी यूपीएस को ऑन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यूपीएस ऑन करते ही हमारा जो है दोनों जगह लाइट चालू हुआ है। तो ये दोनों एक साथ ही ऑन हुआ है। तो आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो ये ऑप्टिकल फाइबर भी चालू हुआ है और ये भी कनेक्ट हो चुका है। तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो ये था कैसे सेटअप करना है, अब मैं आपको बताऊंगा। अभी हम टेंडर के लिंक को ओपन करेंगे और आप देख सकते हो ये लिंक मैंने ओपन किया है और इसमें आपको सब डिटेल्स दिया है कि कैसे लॉग इन करना है। तो ये जो ओपन लिंक दिया है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब मैं मेन पेज में आ जाऊँगा। और इधर है मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, तो मेरा ऑलरेडी सेट है तो मैं इसे लॉग इन करूँगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको वाईफाई राउटर के बैक साइड में मिलता है। और जैसे ही लॉग इन करता हूँ तो मैं टेंडर राउटर जो है उसके मेन पेज के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पे मुझे सब डिटेल्स दिखेंगे कि मैंने कौन सा पैकेज दिया है, मेरा कौन सा स्पीड चल रहा है और कितने स्पीड से अभी मेरा वाईफाई चल रहा है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सब ऑप्शन दिखेगा। तो ये सब ऑप्शन में आप जाके आपका जो वाईफाई को अच्छे से सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, कितने आपको कनेक्टिविटी एक टाइम में चाहिए सब चेक कर सकते हो। ये था मेरा आज का जो सेटअप गाइड। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।